हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों, ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। इसे खाकर राजा सेनेंदर जैसे बुद्धिमान बनो। लो, हम तोड़ देते। बाजी, राजा सेनेंदर भी अखरोट खाते थे? नहीं बच्चा, राजा सेनेंदर आज भी है। न्याय के दाता और उनके शूरवीरता के चर्चे आकाश और पाताल लोक में बहुत चर्चित हैं, लेकिन वो रहते यही हैं धरती लोक पर। धरती लोक पे? पर कहाँ? राजा सेनेंदर जब गश्त पे निकलते हैं ना, तो सारे दुष्ट कपटी ऐसे थर थर करके कांपते हैं उनसे, जैसे आंधियों पे पेड़ों पत्ते कांपते हैं ना, सर सर सर, एकदम वैसे। और राजा सेनेंदर के पास जो तलवार है, एक जादुई तलवार है। पर बाजी, राजा सेनेंदर की जादुई तलवार जादू क्या करती है? राजा सेनेंदर की जादुई तलवार पापियों के सर गायब करती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये केस जिस सच्चाई से जुड़ा है, उसके पीछे अचंभे में डाल देने वाली एक कल्पना भी थी। हम अपना हर काम लॉजिक और फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर ही करते हैं। इंसानी जज्बात हमारे किसी भी फैसले का आधार नहीं बन सकते, पर यह केस एक ऐसे जुनून से जुड़ा था जिसके पीछे कोई लॉजिक कोई फैक्ट्स नहीं थे। हर मोड़ पर हमें डेड एंड ही नजर आ रहा था। अगर 999 गुना 999 करना हो तो उसके आधार अंक यानी 1000 से 999 घटा दो तो कितना बचा? एक। और अब इस एक को 999 से घटा दो तो कितना बचा? 998। अब इस एक के आगे दो जीरो लगाओ तो हुआ 998001। इसे कहते हैं वैदिक गणित। न कैलकुलेटर की जरूरत, न कॉपी घिसने की, बड़ा बड़ा हिसाब किताब मिनटों में हो जाता है। वाह पापा, ये तो एकदम आसान है। हम आपके जैसे वैदिक गणित की विद्या तो सीख लेंगे, पर उससे पहले हमें आपके जैसे टेम्पो चलाना सीखना है। अरे वो भी सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुमको 18 साल का होना पड़ेगा। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ इसे, लक्षण ठीक नहीं है इसके। सब ठीक है, तो हमेशा इससे मुंह फुलाए रहती हो, पता नहीं कहे। हम मुंह फुलाए रहते हैं मतलब? तो कहे मुंह तो फुलाए। पापा रुकिए, मम्मी हमको बस बस बस, हमको मक्खन मत लगाओ, हम तुमको अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, अपनी माँ का बात करना बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं पापा, अपनी माँ के बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। ठीक नहीं है। देखो मुंदेली, तुम बकवास मत करो। बेटा तुम डरो मत, चलो घर।
आप आ गए? रात भर कहाँ थे? हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, तुमने किसके साथ रात भर गुलछर्रे उड़ाए हैं? रोज रोज वही बात, एक बच्चे के बाप बन गए आप, फिर भी हम पर शक करते हैं। ए, ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर हमसे, हमें अच्छे से पता है क्या चीज है तुम। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते। कुछ नहीं, सुनिए जी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस करिए, काहे रोज रोज एक ही तमाशा करते हैं आप। मैं हमारा बीवी है। राजा साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा के रखे हुए हैं? और बहू पर क्या हाथ उठाया? हमारा बीवी है, उसको मारते हैं तो आपको काहे मिर्ची लगता है? देखो, ये रुआब तब दिखाना जब कमाने का औकात हो जाए, समझे? सारा निकम्मा मुफ्त का खाता है और अकड़ राजाओं जैसा दिखाता है। राजा तो हम है ये हैं, और अपनी राजशाही पे आ गए ना तो सबको काट डालेंगे, काट डालेंगे सबको, देख लेना है। निकल जा। काट डालेंगे, बड़ा आया काटने वाला। रुको पापा, मैं आपको फोन उठा के देती हूँ। हेलो, ये रामविलास की लाश है, वो गाड़ी चलाता था साहब, ये टेम्पो भी वही चलाता था साहब। हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उस तरफ साहब, हम लोगों ने जोर से चीखने की आवाज़ सुनी, हम लोग जब तक यहाँ पर भाग कर आकर देखा तो रामविलास की बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी बेटी वहीं बगल में बैठी हुई थी और साहब उसके हाथ में तलवार भी थी। तो रामविलास की बेटी है, आप अपनी ही बेटी पर? सगी नहीं सर, लेकिन हम सगी की तरह ही पाल रहे थे और उसने हमारे सुहाग को उजाड़ दिया। इतनी छोटी बच्ची एक आदमी पे अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कैसे कर सकती है? अब उस लड़की को नहीं जानते सर, ये कांड उसने किसी के साथ मिलके किया होगा। किसके साथ मिलकर? ये आप ही पूछ लीजिए उससे। सर सर, आसपास में कोई भी कटा हुआ सर नहीं मिला है, लेकिन खून की बूंदें काफी लंबे तक है, तो लगता है सर को पर्पसली गायब किया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि इधर रामविलास का ही है, इसे रामविलास का फोटो देखो। हो गए सर। बेटा ये सब जो बोल रहे हैं वो बात सही है? तो को बेटा इनका कहना है कि आपने ही अपने पिता को मारा। देखो बेटा, बिल्कुल भी डरो मत, जो भी सच है बस वो बता दो। ले बेटा बंटी, थोड़ा और ले बेटा, थोड़ा और खा ले। अरे बंटी बेटा, थोड़ा थोड़ा। पापा, ओ हमको ना जतिन भैया के साथ रहने में जम नहीं रहा है, संगीता भी पेट से हो गई अब और हम। अरे वाह नवीन, क्या तारीफ कर रहे थे हमारी है? अरे मुंह कहे घुमा रहे, इधर देखो, हम बड़े ताऊ बनने वाले हैं, इतना खुशी का बात हमको बताया ही नहीं है?
अरे रख लो। क्या बोले थे? कमा के आओ फिर खाओ। अब हम मुफ्त का नहीं खाएंगे, हैं? कमाएंगे फिर खाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? अरे काहे की बदतमीजी। ए भाई, बुढ़ाओं के लिए दूसरा खाना लेके आओ। वैसे भी साला हम तो जूठन खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जूठन खाने के लिए नहीं, खून पीने के लिए पैदा हुए हो राजा साहब, खून पीने के लिए। और हमको क्या बोलकर गए थे? काटने का धमकी देकर गए थे ना। अब ये किसका जेब काट कर आ रहे हो जो इतना पैसा उड़ा रहे हो? मीनू ने हत्या की नहीं, आपने देखा ना, गांव के किसी और आदमी ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ मिलकर आप ये कोई कहानी बना रही हो? हम काहे कहानी बनाएंगे साहब। मीनू अगर आपकी और रामविलास की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? कौन है उसके माँ बाप? कहाँ है उसका घर बार? उसके घर बार का हमको नहीं मालूम, सब रामविलास जी ही जानते थे। करीब 2 साल पहले उसको लेकर आए थे यहाँ। मीनू है वो, हमारे पास क्लीनर नहीं था ना, तो सोचे इसको रख लेते हैं और ये अब यहीं रहेगी। मीनू के बारे में वो हमें कुछ नहीं बताए, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। मीनू को इतना लाड़ से रखते थे कि बाद में अपनी बेटी बना लिया। अरे ला भाई रख दो। लो भाई चाय आ गई तुम्हारी। देखो अब ये भी आ गई तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। देख बुंदेली, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इसे गोद ले ले, बहुत अच्छी लड़की है ये। वो लड़की तो हमें शुरू से ही चंट लगती थी। राम विलास जी भोले थे जो उसकी बातों में आ गए। साहब हमको उस लड़की के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमको राम विलास की नियत पर शक था। कैसा शक? कहने को तो राम विलास उस लड़की को अपनी बेटी बोलता था, लेकिन हमको उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही लगता था। अच्छा ये राम विलास मीनू को लाया कहाँ से था? साहब मीनू कहाँ की है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पिछले 15 दिनों से एक आदमी लगातार यहाँ आ रहा था, मीनू को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, और उस दिन राम विलास जी ने उस आदमी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। भाग जा, भाग। आगे से दिखा तो काट कर देंगे। अब मीनू के साथ कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। भाग, भाग यहाँ से। हमने राम विलास जी से उस आदमी के बारे में पूछा तो वो टाल गए। हमने मीनू से भी पूछा, उसने भी कुछ नहीं बताया। और फिर कुछ रोज पहले हमने मीनू को एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा था। मीनू कौन था वो? वो पापा का जाने वाला था, पापा ने उनका माल पहुंचाया था ना, इसलिए पैसे देने आया था। हमको उस दिन भी शक हुआ था साहब, पर क्या करते, कुछ पक्का नहीं पता था। था कौन ये आदमी? हम शक्ल तो ठीक से नहीं देख पाए साहब। और हाँ, कल रात फिर एक आदमी आया था, मीनू को अपने साथ ले जा रहा था, वो तो हम लोग जाग गए तो वो आदमी भाग गया। ये आदमी कौन था? हम बोले ना साहब, ना राम विलास जी हमें कुछ बताते थे, ना मीनू, ना हम उसकी शक्ल ठीक से देख पाए। जो आदमी मीनू को पैसे दे रहा था आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, और ये जो आदमी कल मीनू को ले जाने की कोशिश कर रहा था इसकी शक्ल भी नहीं देखी? जिस आदमी को राम विलास ने घर से धक्के देकर बाहर निकाला उसकी शक्ल तो देखी थी ना आपने? हाँ सर। इसका स्केच बनवा सकते हैं? कोशिश करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले रामविलास और मीनू के रिश्ते को लेकर शक जता रहे हैं, और रामविलास की पत्नी बोल रही है कि मीनू से मिलने कोई आदमी आता था। ये चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। सर सर, क्या सर वाकई एक छोटी सी बच्ची ने हत्या की होगी? नो कमेंट्स, हमारी जांच चल रही होगी। लेकिन सर अभी तक रामविलास का कटा हुआ सिर नहीं मिला है, क्या वो लाश वाकई रामविलास की है? अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जैसे ही हमारी जांच से कुछ पता चलता है आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एक बात और सर। थैंक यू। पापों का प्रायश्चित कर लो पहले, समझ गई ना? और अपना ही सम्मोहन शक्ति हम पे आजमाने का कोशिश मत करो। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए।
पापा पापा चिल्ला रहे, हमको और जलाओ मत। अबे तू चिल्ला चिल्ला के हमारे कान में दर्द काहे कर रहा है? तेरी बच्चे के साथ यही सब कुछ करना था तो पैदा काहे किए रे? पैदा काहे किए? अगर आपने पापा जी पे हाथ उठाया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पति हैं। तुम तो पहले भी भूल चुकी थी कि हम तुम्हारे पति हैं। बेटा आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस बेटा जो भी सच है वो बता दो। कौन था वो? हमको नहीं मालूम। देखो बेटा, रामविलास की पत्नी बुंदेली ने हमें बताया कि ये आदमी आए दिन आपसे मिलने आता था। इसको तो जानती होगी ना, कौन है ये? हमको कुछ नहीं मालूम। ओके बेटा, कोई बात नहीं। बाजी, राजा सुनेंद्र पापियों के सर गायब कर देते होंगे तो वो पापी तो बिना सर के भूत जैसे दिखते होंगे। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझे? अच्छा तो राजा सुनेंद्र कैसे दिखते हैं? उनका फोटो है क्या आपके पास? राजा सुनेंद्र? राजा सुनेंद्र है ना बहुत अच्छा। बच्चों, अब बाकी ये कहानी है ना हम आपको बाद में सुनाएंगे। भाई मेवे भी तो बेचने जाना है, अब आपको कहानी सुनाते हुए तो पेट नहीं भरेगा, बाद में मिलते हैं। हाँ, ये आदमी आए दिन मीनू से मिलने आ रहा था, ऐसा रामविलास की पत्नी बुंदेली का कहना है। पर मीनू ने इस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। मीनू ये भी नहीं बता रही है कि दो साल पहले तक वो कहाँ थी, रामविलास उसे कहाँ से लेकर आया था। लेकिन हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ, मीनू का मेडिकल करवाओ ताकि ये कंफर्म हो सके कि रामविलास का मीनू के साथ वाकई में कोई गलत रिश्ता था या फिर चक्कर कुछ और है। ओके सर। सर सर, मैं मोबाइल नेटवर्क कंपनी में गया था, पता चला कि रामविलास के फोन पे आखिरी कॉल सूरज श्रीवास्तव नाम के आदमी ने किया था, लेकिन उसका नंबर अभी बंद आ रहा है। सूरज श्रीवास्तव? कि सूरज श्रीवास्तव वही तो नहीं है जिसका रामविलास की पत्नी ने स्केच बनवाया? नहीं सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से सूरज की एक फोटो मिली है सर, यह है सूरज श्रीवास्तव और इसका नंबर जिमिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तुरंत इस एड्रेस पे जाओ सर। गुड। ए भाई सुनो, ये सूरज श्रीवास्तव का घर है ना? जी सर, यही है श्रीवास्तव। कहाँ है वो? कहाँ ये तो नहीं मालूम, लेकिन भाड़े की गाड़ी चलाता है, कभी कभार ही आता है यहाँ पे, लेकिन हमने दो दिन पहले उसे देखा था। साहब सूरज लंबे लंबे टूर पे जाता था, लेकिन जब भी जाता था कई कई दिन लौट के नहीं आता था। बोले सूरज के घर वाले? साहब वो तो यहाँ पे अकेला रहता है। हाँ संदीप। सर सूरज तो दो दिन से गायब है, उसके पड़ोसी से उसका एक नंबर तो मिला लेकिन नंबर बंद आ रहा। और सर रामविलास को भी यहाँ पे कोई नहीं जानता, बल्कि सूरज को रामविलास के साथ कभी किसी ने नहीं देखा। सूरज की गाड़ी का नंबर हर बीट चौकी टोल नाका पर भेजो, उसका पूरा रूट स्कैन करो। सर सर, मीनू की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में सामने आया है कि मीनू सेक्सुअली एक्टिव थी। सर ये बयान भी सही हो सकता है कि रामविलास का मीनू से संबंध था। अगर ऐसा है तो फिर ये भी हो सकता है कि रामविलास की पत्नी बुंदेली को इस बारे में सब कुछ पता हो। हाँ संदीप। सर सूरज श्रीवास्तव की सिल्वर की एक जगह खड़ी होने की इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हम पहुंच रहे। आइए भोलेनाथ जी, बैठिए। हिचकिचाइए मत, बैठिए। आपके बिना बोले ही हम आपकी सारी समस्याएं जान जाएंगे। वो कैसे?
दफ्तर है सूरज श्रीवास्तव की गाड़ी है और यहाँ गाड़ी के नीचे कटा हुआ धड़ मिला है। ये रहा सर, तो यहाँ आसपास कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम हर जगह छानबीन कर रही है। बड़े बाहर निकलो। सर, सर वहां एक कटा हुआ सर मिला है। ये देखिए सर, हमने जब उस कटे हुए सर को फोरेंसिक के लिए भेजा तो सामने आया कि वो कटा हुआ सर ना तो रामविलास झा का था और ना ही सूरज श्रीवास्तव का, वो सर किसी तीसरे ही आदमी का था। काफी तलाश करने के बावजूद हमें ना रामविलास झा का सर मिला ना सूरज श्रीवास्तव का, लेकिन जल्द ही हमें एक तीसरा धड़ भी मिल गया। वो धड़ उस इकलौते सर का था जो हमें मिला था, लेकिन हम उस तीसरे आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। पर तीनों मर्डर का एमओ एक जैसा लग रहा था। रामविलास और सूरज के सर के ना मिलने का राज हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर एक के बाद एक तीन हत्याओं ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमें लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सर, इस एरिया में तीन तीन लोगों के सिर काट के हत्या कर दी गई, आखिर कौन है उनका कातिल? हमारी जांच चल रही है। सर, आपकी जांच नतीजे पर कब पहुंचेगी? सर, आपको नहीं लगता कि वो कोई सीरियल किलर है? देखिए, हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, एक बात और। सर, सर जिस आदमी का स्केच रामविलास की बीबी बुंदेली ने बनवाया था उसकी पहचान हो गई है। सर, रामविलास के कॉल रिकॉर्ड में एक राजेश नाम के आदमी का नंबर मिला है। इस राजेश का फोटो इस स्केच से मैच करता है सर, लेकिन इसका फोन नंबर भी बंद है। इसका नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर, मोतिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है इसका नंबर। मैंने मोतिया गांव पुलिस को इसके एड्रेस पर भेजा है। और सर, सूरज के कॉल रिकॉर्ड में एक नीलिमा नाम की औरत का नंबर मिला है। सर, ये सूरज नीलिमा को काफी कॉल करता था। सर, हो सकता है नीलिमा से मिलकर सूरज के बारे में कुछ पता चले। तुम इस नीलिमा से मिलो, मैं मीनू से बात करता हूँ। ओके सर। मीनू बेटा, देखो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस जो भी सच सच है वो बता दो। बेटा, क्या आपके साथ कोई जबरदस्ती करता था? बेटा, क्या आपके साथ जबरदस्ती रामविलास? नहीं, वो मेरे सगे पापा थे। बेटा, रामविलास आपके सगे पापा थे, तो फिर आपकी माँ कौन है? सर, नीलिमा से मिलना है हमें। हेलो पापा। बहू, पुलिस आई है, तुमसे मिलना चाहती है। पुलिस? कौन है आपकी माँ? क्या नाम है आपकी माँ का? वंदना। मैं उनके साथ मोतिया गांव में रहती थी। मोतिया गांव? हाँ, पर पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभी आते थे। दो साल पहले मेरी माँ गुजर गई, मैं मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे मामा मेरे साथ। मीनू बेटा, तो आपके मामा आपके साथ ये गंदा काम करते थे? इसलिए पापा मुझे यहाँ ले आए और उन्होंने बोला। बेटा, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। वंदना तुम्हारी माँ हमारी पहली पत्नी थी। बेटा, हम जानते हैं तुमको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे बेटा, हमेशा। पापा ने बोला समय आएगा तो वो मेरी सौतेली माँ को सब बता देंगे। लेकिन बेटा, आपकी सौतेली माँ बुंदेली ने आप पर रामविलास के हत्या का आरोप लगाया है। ये सब झूठ है। लेकिन बेटा, ये तो झूठ नहीं है ना,
ये आदमी आपसे मिलने आता था, बोलो कौन है ये? ये मेरे मामा है और यही आकर मुझे ले जाने की कोशिश करते थे। मेरे मामा हमको कहीं ले जाकर बेच देना चाहते थे। आपने इस बारे में हमें पहले तो कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था। मीनू कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मामा ने ही तुम्हारे पापा को? नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? हमको नहीं मालूम। सर मीनू एक मिनट। सर मोतिया गांव की पुलिस मोतिया गांव गई, राजेश वहां से भी गायब। इस राजेश का लुकआउट नोटिस जारी करो, पता करो ये कहां जा सकता है और उसका फोन नंबर भी सर्विलेंस पे डाल। सर इतना टाइम हो गया, नीलिमा आई क्यों नहीं अभी तक? 20 मिनट में आएगी ऐसा बोला था, आ जाएगी साहब, पर आप लोग कुछ पता क्यों नहीं रहे? संदीप फोन लगाओ नीलिमा को। सर ये कौन है? ये हमारा बेटा है जतिन, नीलिमा का पति। अभी कहाँ गया जतिन? वो किसी काम से बाहर गया है। सर नीलिमा का फोन तो बंद आ रहा है। ये नीलिमा कहाँ गायब हो गया अभी? अरे साहब फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगी। लेकिन अब तुम्हारा बेटा जतिन वापस नहीं आने वाला। मतलब? यही है ना जतिन, अब बोलती क्यों बंद हो गई? इसकी लाश हमें 5 दिन पहले मिली है और आप बोल रहे हैं कि जतिन कहीं गया है अभी? हमें तो यही बोल के गया था साहब, पर ये बंद कीजिए, अब आपसे थाने में चलकर बात होगी। साहब मीनू जरूर कोई नई कहानी बना रही है, वो रामविलास जी की सगी बेटी हो ही नहीं सकती। ये सब बोल के वो हमारे मरे हुए पति को बदनाम कर रही है। हमने मालूम किया है, रामविलास अक्सर सोचे नगर जाया करता था जहाँ मीनू की माँ वंदना रहती थी। अरे साहब हमारे पति टेम्पो चलाने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, आप मीनू की बातों में मत आइए, वो रामविलास जी की सगी बेटी नहीं हो सकती। वो तो हम डीएनए से पता लगा लेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी और इसी बात का बदला लिया तुमने रामविलास से? नहीं साहब हमें कुछ नहीं पता था, हम आपसे कह रहे हैं ना मीनू झूठ बोल रही है। सर जो कटा हुआ सर और धड़ में मिला था वो नीलिमा के पति जतिन का था। What? और नीलिमा कहाँ है? सर नीलिमा कहीं गायब हो गई है, लेकिन मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। अभी तो मैं जतिन के फादर और उसके छोटे भाई को थाने ला रहा हूँ। एक एक करके राजा सैनिंदर ने कई सारे पापियों का संहार कर दिया। संहार कर दिया मतलब? संहार यानी उसने बताया था ना, राजा सैनिंदर है ना, पापियों को मृत्यु लोग पहुंचा देते थे। मृत्यु लोग? ये कहाँ होता है मृत्यु? पांच दिन पहले जतिन भैया अपनी बीवी से झगड़ा करके निकले थे घर से, उसके बाद से हम उनको देखे नहीं है दोबारा। इसके अलावा हमको कुछ मालूम नहीं है। जतिन की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करवाई? आपको आभास ही नहीं था कि उसके साथ? ये रो के मत दिखा, जतिन की बीवी नहीं मारा है ना जतिन को? नहीं साहब, वो तो खुद जतिन की मार का शिकार थी। लेकिन जतिन किसका शिकार बना? जतिन के अलावा हमें 2 लाशें और भी मिली हैं, ये रामविलास की और ये सूरज की। सूरज के फोन पर नीलिमा की काफी बातें होती थी ना, हमें सूरज का सर मिला है और ना ही रामविलास का। नहीं साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमारी बहू ऐसी रही थी। अरे जयचंद और नवीन तो कुछ नहीं उगल रहे हैं, और नवीन की बीवी संगीता से भी पता नहीं चल पाया है कि नीलिमा गायब कहाँ है। सर नीलिमा के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली है, नीलिमा सम्मोहन करती थी। सम्मोहन? जी सर, और नीलिमा के ज्यादातर क्लाइंट्स मेल थे। सर रामविलास नीलिमा का क्लाइंट था या नहीं ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन सूरज श्रीवास्तव नीलिमा का ही क्लाइंट था।
तंत्र कहीं ये नीलिमा सर गायब करके वाकई में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करती? हमें रामविलास और सूरज के सिर्फ धड़ मिले सर, नहीं जबकि जतिन के सर और धड़ दोनों मिले। और सर पूछताछ में ये भी पता चला है कि नीलिमा की अपने पति जतिन के साथ बनती नहीं थी, बल्कि जतिन को उसके परिवार वाले खुद नापसंद करते थे। और जतिन का छोटा भाई नवीन, वो तो अपना हिस्सा लेके घर से अलग होना चाहता था। नवीन की वाइफ संगीता से सख्ती से पूछताछ करो और नीलिमा के जितने भी क्लाइंट सबसे पूछताछ करो। और मीनू के मामा राजेश की क्या अपडेट है? सर राजेश का नंबर सर्विलेंस पे है। सर ये तो साफ है कि राजेश मीनू की स्वर्गीय माँ वंदना का ही छोटा भाई था, लेकिन मोतिया गांव के लोग ये दावे से नहीं कह रहे कि रामविलास ही वंदना का पति था। सर पहले तो मीनू ने राजेश को लेकर कुछ नहीं बोला था और अब रामविलास को अपना सगा पिता बता रही है। सर मुझे लग रहा है कि ये मीनू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। फोन आपको किया था, अब ये बताओ नीलिमा कहाँ है? ओ सर, हम उसको अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए कह रहे थे बस। हाँ सर, वो सम्मोहित ही करती थी, हम तो उससे साहब वो ज्ञानवान समझ के मिलते रहे, लेकिन वो औरत साहब एकदम कपटी है। तुम्हारे साथ क्या कपट किया उसने? नीलिमा के सम्मोहन ज्ञान के बारे में तेरे से बेहतर कौन जानता होगा चंचल? हाँ सर, वो लोगों की समस्याओं का निवारण किया करती थी, उनके कपड़े उतार के और उसके बाद उनके सर धड़ से अलग कर देती थी। साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने कान भरे हैं आपके। पता है तेरी छोटी बहू संगीता ने इस बारे में क्या कहा है? आप मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन जेठ जी को लगता था कि उनका बच्चा उनका नहीं है, मतलब कि उनको शक था कि नीलिमा का हमारे ससुर जी के साथ। नहीं नहीं साहब, वो झूठ बोल रही है। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नवीन ने ही जतिन को मारा है और अब वो हमें फंसा रही है। दरअसल वो दोनों अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहते थे और हमने उन्हें अलग नहीं होने दिया, इसलिए अब वो हमें अंदर करवाने की चाल सोच रहे हैं। देख जयशन, नीलिमा के बेटे का डीएनए हम तेरे डीएनए से मैच करवाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी सच है बता दे, बाद में बहुत तकलीफ होगी तुझे, उसका बेटा तेरा ही है ना? हाँ जी, लेकिन साहब अब सफाई मत दे। नीलिमा ने रामविलास का सर गायब किया, सूरज का सर गायब किया, जतिन को मारा, पुलिस सब में तू भी उसके साथ शामिल है ना? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नीलिमा कहाँ है ये बोल? हमको नहीं मालूम साहब। हेलो, सर नीलिमा का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। तो मतलब ये नीलिमा? नीलिमा तब हमारी प्राइम सस्पेक्ट थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए नीलिमा ने किसी दूसरी औरत का सर गायब किया है और उस धड़ को अपनी पहचान देने की कोशिश की है, पर हम गलत साबित हुए। उस धड़ का डीएनए नीलिमा के बेटे के डीएनए से मैच हो गया, वही मीनू का डीएनए रामविलास के डीएनए से मैच हो गया, जिससे ये साफ हो गया कि मीनू रामविलास और वंदना की ही बेटी है। एक के बाद एक चार हत्याएं हमारे सामने आई। ये हत्याएं क्यों और किस मकसद से की जा रही थी कि हम समझ नहीं पा रहे। तब कई सस्पेक्ट हमारी रडार में। मीनू के मामा राजेश का फोन सर्विलेंस पर था, जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया हमने GPRS के जरिए उस जगह को ट्रैक डाउन कर लिया जहां पर राजेश छिपा हुआ। मीनू का मामा राजेश अपने इस बयान पर कायम रहा कि उसका इन हत्याओं में कोई हाथ नहीं, लेकिन तब अचानक से इस केस को अपने अखबार में हेडलाइन देने वाला पत्रकार देवेंद्र इस केस की एक चौंका देने वाली हेडलाइन बनने वाला था। मेरे न्यूज़पेपर में काम करता है, दो दिन से इनका फोन नहीं लग रहा है और इनके घर पर ताला लगा हुआ। शी देवेंद्र तो अक्सर उससे मिल रहा था, इन कटी हुई लाशों की इन्फॉर्मेशन को भी। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है देवेंद्र के गायब होने का चक्कर भी इसी केस से जुड़ा हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर वो इस केस को जिस तरह से कवर कर रहा था, हो सकता है उसे इस केस से जुड़ी कोई बात पता चली हो और उसको भी। ये देवेंद्र रहता कहाँ है, उसका एड्रेस? सर अंदर एक फाइल मिली है,
इसमें कई सारे लोगों के फोटोज हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। विनोद मिश्रा, सुबोध अग्रवाल, सूरज श्रीवास्तव, रामविलास झा, नीलिमा त्यागी, इन सबका सर राजा सरेंद्र ने गायब किया। लेकिन सर इसमें जतिन त्यागी का कोई फोटो नहीं है। और इसमें जो बाकी के फोटो हैं जिनको हम नहीं जानते, ये लोग कौन हैं? और ये फाइनल दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और सर ये राजा सैनिंदर, और इसमें ये भी लिखा है कि राजा सैनिंदर कलयुग का एक राजा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजा सैनिंदर देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनैलिटी है? इस देवेंद्र के बारे में सब कुछ पता करो, और जो बाकी के फोटोग्राफ इस फाइल में है जिन्हें हम नहीं जानते, ये फाइल और ये डायरी एडिटर को दिखाओ और पता करो ये लोग कौन। ओके सर। सर ये 28 लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। मैंने सूरज, नीलिमा और रामविलास के अलावा इन सभी लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। सर इनमें से 13 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट सिवान जिले के अलग अलग थाने में दर्ज हुई थी, और बाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। यानी सब गायब। पुलिस फाइल में लिखा है कि राजा सैनिंदर ने सबके सर गायब कर दिए। इस राजा सैनिंदर से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर फिलहाल ना तो राजा सैनिंदर से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही इस देवेंद्र के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन सर सिवान जिले में 13 लोग जहां जहां से मिसिंग हुए थे वहां पर हमारी पूछताछ जारी है। राजेश और राजा काफी सिमिलर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा राजेश का निकनेम है और देवेंद्र का भी इसके साथ कोई कनेक्शन है? साहब हम सच कह रहे हैं, हम किसी देवेंद्र को नहीं जानते, और ये राजा वाजा निकनेम हमारा नहीं है। हेलो, सर इस इलाके में एक जमीला नाम की लड़की के बारे में पता चला है। वो यहाँ गली गली घूम के मेवे बेचा करती है, और सर वो गली मोहल्ले के बच्चों को राजा सैनिंदर की कहानियां सुनाया करती है। वो गली मोहल्ले बच्चों को मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। अंकल, जमीला बाजी कहती थी कि राजा सैनिंदर यहीं कहीं धरती लोक पर रहते हैं और वो पापियों को मृत्यु लोक में पहुँचा देते हैं। अच्छा बेटा, ये जमीला बाजी रहती कहाँ है? मालूम नहीं अंकल, हम तो उन्हें यहीं देखते थे। अच्छा बेटा, इनमें से किसी को जानते हो? हाँ, हमने उस दिन देखा था इनको, ये जमीला बाजी के पीछे गए थे। सर हमने देवेंद्र के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए थे, लेकिन ना तो उसमें किसी जमीला का नंबर मिला था और ना ही किसी राजा सैनिंदर का। इस राजा सैनिंदर का हिस्ट्री में भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस राजा सैनिंदर का जमीला, देवेंद्र और इस केस से जुड़े विक्टिम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर मैंने इन सभी सस्पेक्ट के बैकग्राउंड खंगाले, जो भी सामने आया उससे तो यही लग रहा है कि ये राजा सैनिंदर सिर्फ देवेंद्र और जमीला से ही कनेक्टेड है। अब तक हम राजा सैनिंदर को देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनैलिटी मान रहे थे, कि जमीला बच्चों को राजा सैनिंदर के किस्से क्यों सुनाती थी? कि राजा सैनिंदर कोई है या नहीं इसका अभी तक कोई ठोस एविडेंस तो नहीं मिला है। लेकिन किसी भी सस्पेक्ट की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जो राजा सैनिंदर जैसी ही अजीब, जो इस अजीब से केस से ताल्लुक रखती हो? सर एक बात है, नीलिमा का एक क्लाइंट है भोलेनाथ, उसके दो बेटे हैं जिनके नाम अध्यादेश और संविधान है। आपको सुनने में थोड़े अजीब नहीं लग रहे हैं ना? भोलेनाथ के बेटों के खिलाफ कुछ? सर वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं, और मर्डर के समय भी वो दोनों दिल्ली में ही थे। बेटे को ये अजीब सा नाम देने वाला है भोलेनाथ, इस भोलेनाथ को मिलने के लिए बुलाओ और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में निकालो। ओके सर। जानता है इसको? हाँ साहब, ये मेवे बेचा करती है। जमीला का पति भी था सलीम। हमें पता चला है राजा सैनिंदर ने इसका सर गायब कर दिया था। राजा सैनिंदर? नहीं जानता, पर सलीम को तो जानता होगा, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में नंबर मिला है हमें इसका। हाँ साहब, ये कुछ महीनों पहले मुलाकात हुई थी इससे। और ये पत्रकार देवेंद्र, इसको भी जानता होगा। साहब ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? समित, नहीं रुकिए रुकिए, बताते हैं
भूख लगी है, पहले दाल पिलाई। भर गया साहब पेट। चलिए दिखाते हैं कहाँ है राजा सुरेंद्र। आइए हम आपको दिखाते हैं साहब, आइए। ये देखिए राजा सुरेंद्र का पहला इंसाफ। बहुत ज्ञानी आदमी था साहब। और भी है साहब यहाँ पे, सूरज अग्रवाल, नीलिमा त्यागी, सब मिला के साहब यहाँ पे 30 खोपड़ियां हैं। कुछ तो बाहर भी है साहब, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक इधर लटक रही है, यहाँ बहुत है, ढेर सारे हैं। इन सब का ये हाल राजा सुरेंद्र ने ही किया है। तो तू है राजा सुरेंद्र? हाँ साहब, जब हम बच्चे थे ना तो सब बोलते थे हम मंदबुद्धि हैं, मतलब जवानी तक हम सुनते रहे सबको। और वो विनोद मिश्रा, मतलब जहां देखे हमको बेइज्जत करे, हर जगह नीचा दिखाता रहे, एक दिन उसका गला ही काट दिया हम। और वो सूरज बहुत सियाना था, वो उसका चालाक खोपड़ी देख के साहब हम ठान लिए अब अगला मगज हमको रामविलास चाहिए। साला बहुत तगड़ा वैदिक गणित जानता था, तो सूरज का फोन से हम उसको कॉल किए। वो साला हमारा इंतजार कर रहा था और हम उसका सर काट के ले गए। तो मोहन ज्ञानी, नीलिमा बहुत प्रभावित थे साहब उसके ज्ञान से भी। तेरी ये कहानियां जमीला बच्चों को क्यों सुनाती थी, और तेरी इन कहानियों की डायरी और फाइल देवेंद्र के घर क्यों मिली? सूरज से पहले हम 25 लोगों का सर अलग कर चुके थे, पर कोई हमारे प्रताप को जानता ही नहीं था। हमने सोचा साहब हमारा चर्चा होना चाहिए। वो जमीला का पति सलीम और नीलिमा के सम्मोहन में आके वो जमीला से व्यवसाय करने लगा। वो जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी ना साहब, राजा सुरेंद्र की, वो हम ही था। सोचे थे कभी किताब में छपवाए, साला वो देवेंद्र जमीला के पीछे पड़ गया था। मुझे तुमसे कुछ राजा सुरेंद्र के बारे में बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसको शक हो गया था साहब हम पे, इससे पहले कि वो हमारा चिट्ठा खोलता हम उसका सर भी गायब कर दिए और धर दिए। जमीला कहाँ है? साहब उसको छोड़ दे तो हम फंसते, तो देवेंद्र के साथ उसको भी हम गायब कर दिए। जतिन त्यागी? उसको भी हम ही ने मारा, पहला उधार लिया था हमसे, दे ही नहीं रहा था तो मार दिए। उसके मगज का सूप हमारे किस काम का, इसलिए आपको उसका सर भी मिल गया और धर भी, कर दिया उसका भी इंसाफ। अब तेरा इंसाफ भी होगा। भोलेनाथ उर्फ राजा सुरेंद्र एक ऐसा मुजरिम है जिसकी मानसिकता को लेकर कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच करवाई गई तो यही सामने आया कि उसकी मानसिक हालत एकदम ठीक है, वो नॉर्मल है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और भोलेनाथ उर्फ राजा सुरेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।